तो ये सब कुछ आइटम्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये है मैग्निफिको का रेजिन। तो हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके, और आज हम बनाएंगे एक रेजिन आर्ट जो कि रहने वाली है मेरी शादी के, क्या कहते हैं उसको, वरमाला नहीं, हाँ हमारी वेडिंग मेमोरी रहने वाली है। वेडिंग हाँ, मैरिज, वेडिंग नई वेडिंग मेमोरी सही है। ठीक है ना। तो हमारी वेडिंग मेमोरी रहने वाली है, तो इसमें करूँगा क्या मैं, एक हम मोल्ड बनाएंगे और बीच में हमारी फोटो होगी शादी की, जिसमें मैं और मेरी मिसिज दोनों एक साथ खड़े हैं, और जो चारों तरफ होंगे हमारे जो वरमाला थी उसके फ्लावर्स होंगे और उसके बाकी पेटल्स वगैरह और जो पार्ट होंगे वो, और हम इस पूरे को रेजिन में कवर करने वाले हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाए। आई थिंक रेजिन तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ होती है, वो ख़राब नहीं होता जल्दी से, तो आज हम यही करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम मोल्ड बनाएंगे उसके लिए और फिर आगे उसका फोटो और रेजिन का काम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये सब कुछ आइटम्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। ये हमारी शादी की फ़ोटो है, वो हमारी वरमाला, ये दोनों रेजिन बॉटल्स हैं, ये 300-300 ml की दो दो बॉटल हैं, टेप, हमारा PVC बोर्ड जैसे मैंने पिछली भी एक एक्वेरियम वाली वीडियो में यूज़ किया था, और ग्लू कटर और बाकी सब चीज़ें मेजरिंग के लिए। तो चलो अभी शुरू करते हैं सारे काम को। सबसे पहले मोल्ड बनाएंगे जो हम इसकी मदद से बनाएंगे अभी। हाँ जी, तो ये हमारा जैसे कि PVC बोर्ड है, ये हमारे रेजिन आर्ट का बैकग्राउंड रहने वाला है। ये थोड़ा इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा अगर थोड़ा वो तो पतला होगा जब भी, और प्लस इसके ऊपर फोटो और चारों तरफ हमारे फ्लावर्स आएंगे तो ये बैकग्राउंड भी अच्छा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो रेजिन है वो ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। तो अभी ये कुछ ज़्यादा लंबा है, मैं इसको यहाँ से ऐसे इतना लगभग 14 इंच नाप के काटने वाला हूँ यहाँ पे बीच में, तो ये हमारा 14 इंच का पूरा एक रेक्टेंगल पैनल बन जाएगा जिसके बीच में बाद में हमारी फ़ोटो आएगी और चारों तरफ हमारी वरमाला के पेटल्स आ जाएंगे, और उसमें कुछ मोती वगैरह हैं तो मोती भी लग जाएंगे सारी जगह थोड़े थोड़े। पहले इसको नापते हैं 14 इंच के हिसाब से, इसको काटते हैं और फिर आगे इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसी तरह के दूसरा PVC बोर्ड है मेरे पास, उससे इसका बॉर्डर बनाएंगे इतना इतना ऊँचा, रेजिन जो है वो हमारा बाहर ना फैले कहीं भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको 14 इंच के हिसाब से काटते हैं। तो अभी मैंने मेजर कर लिया है, तो लाइन कुछ यहाँ पे आ रही है, नीचे का हमारा ये पीस एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कोई नहीं, इसको हम अपर एंड लोअर बॉर्डर के लिए यूज़ कर लेंगे बचे हुए पीस को, और साइड बॉर्डर एरिया बस दूसरा पीस है मेरे पास। तो अब इसको यहाँ से काटते हैं। हाँ, तो PVC बोर्ड इतनी आसानी से ही कट जाता है, आपको एक साइड ऐसे सीधी लाइन बनानी होती है और दूसरी साइड का पीस अपने आप ही थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो टूट के अलग हो जाएगा। तो अभी हमारा सेंटर पीस रेडी हो गया है, मैं थोड़ा सा लोअर एज इसको फाइन कर लेता हूँ ट्रिम करके हल्का सा, ताकि ये प्लेन रहे पीछे से। हाँ जी, तो हमारा ये रेक्टेंगल पीस रेडी है, तो अभी मैं इसमें से दो पीस काटूँगा सिमिलर लेंथ के जो हम आगे और पीछे बॉर्डर के लिए लगाएंगे, और फिर साइड पैनल में से दूसरे काट लूँगा। और ये कुछ ज़्यादा फाइन होने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे बड़े कितने भी साइज़ के बना सकते हो अगर तुम भी ट्राई कर रहे हो तो। मैं रेजिन थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा पतला रखने वाला हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं बनाऊँगा, मेरे को बॉर्डर से थोड़ा बहुत ही चाहिए, 1-1 इंच का मेरा बॉर्डर से भी काम चल जाएगा इसमें। और ये वाला पीस है, इससे मैं लॉन्ग एजेस बनाऊँगा अपनी आर्ट की। तो हमारा एक बॉर्डर रेडी है, ऐसा एक और पीस बनाएंगे। हाँ जी, तो मेरी ऊपर और नीचे के एजेस रेडी हैं, तो इनका कुछ सुपर फाइन होना जरूरी नहीं क्योंकि मेरे काम में ये एंड में बाद में हटा दी जाएंगी, जो चारों एजे मैं बना रहा हूँ ना ये बाद में हटा दी जाएंगी, ये मैं इसे लगा रहा हूँ ताकि रेजन बॉर्डर से बाहर स्पिल ना हो, तो इनका कुछ सुपर फाइन या अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी नहीं है। एज रेडी। हाँ जी, तो चार पट्टियां भी काट ली चारों तरफ के बॉर्डर के लिए, और हमारा बोर्ड भी रेडी है। तो सबसे पहले मैं हैंग करने के लिए इसमें पीछे दो होल डाल के ये कॉपर वायर डालूंगा ताकि मेरे पास हैंगिंग का एक वो हो जाए ऑप्शन, तो दो छेद करूंगा दोनों कॉपर वायर की साइड, इसमें से आर पार निकालूंगा और इस तरफ निकालूंगा ताकि जब मैं इसके ऊपर अपनी फोटो डालूं तो कॉपर वायर फोटो के नीचे छिप जाए। तो पहले पीछे दो होल करते हैं फिर इसमें चारों तरफ बॉर्डर चिपकाते हैं। हाँ जी, तो हमने दोनों छेद कर लिए, मैंने वायर आर पार कर दिया और मैंने इनको नीचे की तरफ मोड़ दिया है ताकि ये फोटो और एपॉक्सी में किसी तरह से दिखे ना खड़े, ताकि अगर आप वर्टिकल रखोगे तो ये दिख जाएंगे, तो मैंने इसलिए इनको फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ, और पीछे से हमारा वायर ऐसे हो गया। इसको एक बार जब ये हो जाएगा तो आप इसको कितना भी ला सकते हो टेढ़ा मेढ़ा सेंटर एडजस्ट करने के लिए, तो ये कुछ इस तरह से हैंग हो जाएगा बाद में हमारा।
हाँ जी, तो जैसा आपने देखा हमने पूरा फोटो बना लिया और मैंने ये बिहाइंड द कैमरा बनाया पूरा, क्योंकि इसको बनाने में कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला था। और मैं पर समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। जो पहला पीस था मैंने टेप की मदद से पहले उसको ऐसे चिपकाया है यहाँ पे, फिर मैं एक एक करके बाकी तीनों पीस चिपकाए और एंड में मैंने आउटर बॉडी पे टेप लगा दिए ताकि ये एक साथ ऐसे बंध के रहे और अभी लीक नहीं होगा। और मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा अंदर फेविकोल लगा दिया है कॉर्नर्स में ताकि कुछ भी रेजिन बाहर स्पिल ना हो, एजिस में से अंदर ना घुसे। तो अभी हम इस पे रेजिन मिक्स करके इस पे रेजिन पोर करेंगे और फिर इसके ऊपर फोटो रखेंगे हमारी और फिर उसके आसपास सारे पेटल्स डालेंगे और पूरे पे रेजिन डाल के इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं रेजिन मिक्स करना। हाँ जी, तो ये है मैग्निफिको का रेजिन और ये 300 ग्राम है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा। ये 300 ग्राम का एक सेट है और मेरे पास ऐसे दो बॉटल्स हैं, तो चलो इसको खोलते हैं। और इसमें दो बोतल हैं, एक बड़ी बोतल जो कि ये है, ये हमारा बेसिक रेजिन होता है, और ये छोटी बोतल जो है ये एक्टिवेटर होता है। तो ये 2:1 की रेशो में होता है, तो 100 ग्राम ये लगता है और 200 ग्राम ये लगता है, तो एक सेट ये बनता है ऐसे। और ऐसे ही मेरे पास एक और बॉक्स है, तो टोटल दो हो गए। अब इनको खोलेंगे और इस बॉक्स में मैं पोर करूँगा सारा और फिर इससे मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर पूरे में डाल दूँगा। तो ये इस तरह की सील के साथ आता है ताकि किसी भी तरह की बाहर की थोड़ी बहुत एयर इसको कंटेमिनेट करके और रेजिन को ख़राब ना करे। तो अभी हम इसकी सील फाड़ेंगे और इसमें पहले इसको पोर करेंगे और फिर हम एक्टिवेटर डालेंगे उसके ऊपर और एक्टिवेटर के साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हमारा एक्टिवेटर भी ऐसे सील आता है। अभी हम एक्टिवेटर को खोल लेते हैं। हाँ जी, तो पोर होने के बाद कुछ इतनी क्वांटिटी हो गई है और इसमें एक्टिवेटर वो दोनों मिला दिए मैंने। अब इसको मिक्स करूँगा मैं और डालने के बाद इसको मिक्स करके अच्छे से, और हमें थोड़ी देर में ही इसको कम से कम भी 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमें मोल्ड के अंदर डाल देना होता है क्योंकि ये धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भाई, तो रेजिन हमारा मिक्स हो गया है और अभी मैं बीच में थोड़ा सा रेजिन पोर करूँगा ताकि मेरी फ़ोटो सेट हो जाए बीच में, और उसके बाद फिर साइड में सारी पेटल्स डाल के रेजिन डालना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो अभी थोड़ा सा बीच में रेजिन डाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ नीचे एक पतली सी फ़ोटो खींचे पहले लेयर हो जिसपे जो हमारे हुक के वायर्स हैं वो स्टिक रहें, और ये डालने के बाद उसके ऊपर फ़ोटो स्टिक करेंगे। जैसे आप देख रहे हो मेरी फ़ोटो अच्छे से स्टिक नहीं हो रही क्योंकि जो अपर एरिया है वहाँ पे रेजिन थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो मैंने रेजिन थोड़ा सा और डाला है यहाँ पे। और एक थोड़ा सा रेजिन और डालने के बाद हम फोटो को इसके ऊपर अच्छे से स्टिक करेंगे और एक पतली सी थिन लेयर बनाएंगे पूरे मोल्ड के ऊपर जो मेरी फ़ोटो और साइड की बाउंड्री सब में जाएगी। तो इसके होने के बाद हम इसको अच्छी तरफ चारों तरफ से फैलाएंगे ताकि एक थिन लेयर पूरे मोल्ड में बन जाए। ये तुम देख सकते हो मैं पूरे मोल्ड में एक थिन लेयर फैलाने में लगा हुआ हूँ क्योंकि ये थिन लेयर हमारे लिए पीस को स्टिक करने का काम करेगी। जो हमारे फ्लावर पेटल्स और जो बीट्स हैं वो उनके जो प्लेस है उस पर स्टिक करने का काम करेंगी।
आप देख सकते हो मैंने बेस लेयर के बाद चारों तरफ पेटल्स डालना स्टार्ट कर दिया है। तो बेस लेयर से हमारा क्या हुआ कि जो पेटल्स मैं डाल रहा हूँ वो उसी जगह पर स्टिक रहेंगी, ताकि जब मैं ऊपर से फाइनल लेयर डालूंगा रेजिन की इसके ऊपर तो वो इधर उधर ना फैलें ज़्यादा, क्योंकि रेजिन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये रेजिन के साथ बह जाएंगी, रेजिन के अंदर डूबेंगे नहीं अच्छे से। वो हमें हाथ से मतलब इसको टच करके पेटल्स को अच्छे से डिप करना पड़ता है, वो तभी अच्छे से डूबेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से चारों तरफ पहले से इक्वली फैला लो जितना हो सके, उनको डिप कर दो एक बारी। हाँ जी, तो अभी सब चीज़ें अपने जगह पे सेट हो गई, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर रेजिन पोर करूँगा और इन सबको अच्छे से उसके अंदर डुबा दूंगा। आप देख सकते हो डेंसिटी की वजह से रेजिन अपनी जगह पे रह जा रहा है पर पेटल्स उसके तरह से फैल जा रही हैं। तो अच्छे से इनको रेजिन में डिप करके आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, इनको अच्छे से सेट कर दो इसके हार्ड होने से पहले। ये आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लेता है मिक्स करने के बाद। हाँ जी, तो कुछ ऐसा लग रहा है पर अभी सूखा नहीं है, मैंने इस रूम में ला के रखा है, रात भर रूम बंद रहेगा आराम से। और इसके ऊपर मैं अभी कुछ कवर करने के लिए डाल दूंगा ताकि ये गंदा ना हो, कुछ डस्ट वगैरह इस पर आके न चिपके। हल्की हल्की डस्ट तो आ गई है पर अभी निपटा दें, क्योंकि मैंने थोड़ा हेयर ड्रायर मारा था इसलिए थोड़ी सी हवा इस पर लगती है, पर फिर भी काफ़ी सही लग रहा है। अब इसको सूखने देते हैं और सूखने के बाद मिलते हैं। और मैं कुछ बता दूँ, मेरे में यहाँ पे थोड़ा तो मैं दिख रहा हुआ ना ठंडा हुआ, मेरे में हल्का सा इस साइड से लीक हो गया था, तो मैंने दोबारा इसको उठा के देखा तो तब यहाँ पे स्पिल हो रखा था जमीन पे, तो मैंने तब इसको इसके ऊपर रखा है ताकि अगर आगे थोड़ा बहुत लीक भी होता है तो मेरी जमीन खराब, मेरा फर्श खराब ना हो। इसके होने के बाद मिलते हैं भाई। अगर वीडियो यहाँ तक पूरी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो तो, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो तो भाई लाइक शेयर जरूर करना, अगर न्यू हो तो भी लाइक करके जाओ। ऐसे ऐसी अलग अलग तरह की वीडियोज मैं लाता रहता हूँ, देखने के लिए चैनल पे बने रहे। हमारा रेजिन आर्ट बन के रेडी हो गया और ये 3D टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस पे। तो रात को कुछ फ्यू लीक्स हुए थे जो कि वो यहाँ से थे, मतलब इस वाले कॉर्नर में से ये निकल गया थोड़ा सा, तो ये पूरा टेप के पीछे से यहाँ से ऐसे बह रहा था, पता नहीं या तो कॉर्नर में से कहीं से थोड़ा बाहर भी निकला था, पर कोई नहीं, वो थोड़ी देर बाद ही सूख गया। थोड़ा बहुत स्पिल हुआ था, ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग घर पर कर रहे हो तो ट्राई करना कि नीचे से एक अच्छा और कॉर्नर से सील बना लो, और नहीं तो अगर मोल्ड बनाना है तो यार मोल्ड पता है थोड़े छोटे आते हैं, मतलब वो इतनी लेंथ तक के आते हैं। मोल्ड मैंने काफ़ी सारे देखे थे पता, पर ऐसा मोल्ड मिल नहीं रहा था कोई, और ऐसा मोल्ड लेने जाओगे तो फिर वो मोल्ड ही तकरीबन 1200-1500 तक के पड़ रहे थे, अगर बड़े वाले इतने बड़े बड़े मोल्ड ले रहे थे। तो मैंने ये घर पे ही जुगाड़ बना लिया था, वैसे भी ये PVC बोर्ड में बस काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इन बॉर्डर्स को निकालेंगे और देखता हूँ बॉर्डर अगर आराम से निकल गए तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर निकालने के बाद थोड़ा सा घिसाई वगैरह काम करना पड़ेगा सैंड पेपर की साइड से। तो चलो बॉर्डर्स को निकालते हैं और दिखाते हैं पूरा कैसा लगता है अभी। तो जैसा कि आपने प्रीवियस शॉट में देखा, हम लोग जो है मोल्डिंग को रिमूव करने वाले थे, बट देन वी चेक कि इसमें जो मोल्डिंग है वो कुछ ज़्यादा ही स्टिक हो चुकी थी रेजिन के साथ, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम मोल्डिंग रिमूव नहीं करेंगे, बट ओवर कट जो ओवर पार्ट्स थे हमने उसको कट किया है और कुछ आइडियाज़ लगा के हमने इसे डेकोरेट किया है। और डेकोरेशन में हमने जो है इनके बॉर्डर्स लाइन पे एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है गोल्डन। देन जो आप ये बीड्स देख रहे हैं, ये बीड्स जो हैं हमारी वरमाला का ही एक पार्ट थे जो कि हमने प्रॉपर अपनी वरमाला को इसमें कंज्यूम किया है, और कुछ फाइनल लुक इसका ऐसा है। और हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हमने अपनी वरमाला को प्रिजर्व किया है हमारी एज अ वेडिंग मेमोरी। और आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर लिया है वो लाइक करो, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।